पढ़ लिख कर बढ़िया नौकरी करना हर युवा का सपना होता है, और अगर कोई साइंटिस्ट हो तो ये माना जा सकता है कि एक बड़ा मकसद हासिल कर लिया है। मगर कामिनी सिंह का मिजाज कुछ अलग है, तभी तो एग्रीकल्चर से पीएचडी करने के बाद भी उन्हें एक अधूरापन सताता रहा। नौकरी के 7 सालों के सफर में उन्हें हर दिन ये लगता रहा कि वो जो करना चाहती हैं वो ये नहीं है। आखिरकार 2015 में वो वक्त आ गया जब उन्होंने नौकरी को अलविदा कहना बेहतर समझा और शुरू कर दी खेती। रिजाइन देने का मूलभूत हमारी कारण था कि हम किसानों के बीच में काम करना चाहते थे, जो कि एक संस्था में रह के या किसी गवर्नमेंट सेक्टर में रह के हम शायद नहीं कर पा रहे थे। हम चीज़ों को नहीं एक्सप्लोर कर पा रहे थे, अपनी रिसर्च को या अपनी जो जानकारी है हमारी अपनी हम किसानों तक नहीं पहुंचाते थे। तो इसके लिए हमने एक रास्ता किया कि अगर हम रिज़ाइन करके और किसानों के बीच में रह के काम करें, क्योंकि नौकरी हम पैसों के लिए ही करते हैं, अगर वही काम हम एक किसानों के बीच में रह के और उससे भी हम पैसे अर्निंग कर सकते हैं अपनी खेती बाड़ी को विस्तार करके, एक अच्छे टेक्नोलॉजी बेस्ड खेती करके। खेती भी आम फसलों की नहीं बल्कि सहजन की शुरू की। किसी को भी कामनी का ये फैसला अटपटा लग सकता है, मगर आज उनकी कामयाबी ने सबकी जुबान पर ताला लगा दिया है। जिस सहजन की वो खेती कर रही है वो गुणों की खान है। इस समय हमारे पास 5,000 किसान हैं जो हमसे, हमारी संस्था और हमारे एफपीओ के माध्यम से जुड़े हुए हैं। सहजन की खेती करने से वो विभिन्न तरह की मल्टीपल क्रॉप भी कर सकता है, बहुत सारी सह फसलियां भी उसके साथ उगा सकता है, जो कि अपनी आमदनी को ज्यादा बढ़ा सकता है। इसे मोरिंगा या सहजन आदि नामों से जाना जाता है। इसमें 300 से अधिक रोगों की रोकथाम के गुण है। इसमें 92 तरह के मल्टीविटामिन्स, 46 तरह के एंटीऑक्सीडेंट गुण, 36 तरह के दर्द निवारक और 18 तरह के एमिनो एसिड मिलते हैं। नो डाउट कि ये बहुत ही एक औषधीय गुण वाला पौधा है, जिस जो बहुत सारी हमारी बीमारियों में इसके उपचार सहजन की पत्तियों से, सहजन के फूल से, सहजन की फली से, इसके जड़ों से, इसके छाल से बहुत सारी औषधियाँ हम तैयार करते हैं, जो कि विभिन्न प्रकार की बीमारियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि गठिया, जोड़ों का दर्द, मसल स्पेन है, थायराइड है, शुगर है, आपका मोटापा है और अन्य बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें इसका इस्तेमाल हम करते हैं। कामिनी 3 एकड़ में सहजन की खेती करती है। सहजन के फूल, फली और टहनियों को कई प्रकार की दवाइयां बनाकर अपना बिजनेस का विस्तार किया है, लिहाजा नौकरी छोड़ने का गम सताता नहीं है। साथ ही किसानों को संगठित कर जैविक विकास कृषि संस्थान स्थापना कर चुकी हैं। अब उनकी मुहिम में दूसरे प्रदेशों के किसान जुड़ रहे हैं। आज हम गोंडा डिस्ट्रिक्ट में खड़े हैं, गोंडा के बिश्नोहरपुर गांव में। वैसे ही हमारा बस्ती में है, आजमगढ़ है, देवरिया है, आपका सुल्तानपुर, सीतापुर, अलाहाबाद, लखनऊ के विभिन्न अगल बगल के क्षेत्रों में हम सहजन की खेती पे काम कर रहे हैं। सहजन की साल में 2 बार फलने वाली किस्मों में PKM1, PKM2, Coimbatore-1, Coimbatore-2 प्रमुख हैं। इसका पौधा 4 से 6 मीटर ऊंचा होता है तथा 90 से 100 दिनों में इसमें फूल आता है। जरूरत के अनुसार विभिन्न अवस्थाओं में फल की तुड़ाई करते रहते हैं। पौधे लगाने के लगभग 160 से 170 दिनों में फल तैयार हो जाता है। पत्तियों की खेती जब हम करते हैं तो बीज लगाने के 4 महीने बाद से हम इसकी कटाई, पत्तियों की कटाई शुरू कर देते हैं, और अगर फली की बात करें तो फली हमारे पौधे लगाने के 6 महीने बाद हमारी फली तैयार हो जाती है। यानी साल में बहुत सारी ऐसी विभिन्न तरह की इसकी प्रजातियां आती हैं आपकी सहजन में, जैसे कि PKM-1 है, PKM-2 है, ODC है। ये PKM-1 जो है हमारी एनुअल यानी सालाना फली के पौधे हैं, और ODC है ये पेरेनियल है, यानी कि साल में 2 बार ये फली आती है इसमें। तो अगर हम ODC लगाते हैं तो साल में हर 6 महीने पे ये फली आएगी, और अगर हम PKM-1 की बात करते हैं तो ये साल में 1 बार फली आती है।
अगर बड़े प्लॉट में पौधे को लगाना है तो जमीन की पहले अच्छे से जुताई कर लें। पौधरोपण से पहले 50 सेंटीमीटर गहरा और चौड़ा गड्ढा खोद लें। इसमें 5 किलो कंपोस्ट या गोबर की खाद प्रति गड्ढा डालकर भर दें। नर्सरी से पौधे को निकालने से पहले गड्ढे को पानी से भर दें या फिर अच्छी बारिश का इंतजार करें और उसके बाद बैग से पौधा निकाल कर लगाएं। पत्ती की खेती अगर करेंगे तो हम पौधे से पौधे की दूरी जो रखते हैं वो 1.5 फीट रखते हैं और लाइन से लाइन की दूरी हम 2 फीट रखते हैं। अगर फली की खेती अगर हम करते हैं तो 5x7 या 6x6 फीट पे हम पौधे से पौधे की दूरी 6 फीट और लाइन से लाइन की दूरी 6 फीट या 7 फीट अलग अलग पद्धति से इसकी खेती हम करते हैं फली वाले में। इसमें विभिन्न जैसे आप 940 पौधे से लेके 1500-1700 पौधे तक एक एकड़ एरिया में लगा सकते हैं। सहजन की पत्तियों पर लागत प्रति एकड़ लगभग 40,000 की आती है जबकि सालाना शुद्ध आमदनी लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए की होती है। इसके अलावा सहजन का कुल उत्पादन 3 टन के करीब थोक भाव में 25